और अगली बड़ी खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टेकनपुर पहुंचेंगे और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, सीएम ने सुबह रद्द कर दी थी दो सभाएं, जिसका जिक्र भी उन्होंने किया था, वो बयान भी हम सीएम का आपको सुनवा चुके हैं, और अब वो टेकनपुर पहुंचेंगे। आपको बता दें, कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे ग्वालियर हाई कोर्ट ने। उसके बाद से आज सुबह सीएम का बयान आया और सीएम का कहना था कि एक जो क्षेत्र है वहां चुनावी सभाएं हो सकती हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में चुनावी सभाएं नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है और एफआईआर के निर्देश दिए हैं। बिहार में चुनावी सभाओं पर रोक नहीं है, सीएम ने कहा था, और सीएम ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय का वो सम्मान करते हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे कि एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे। और अब सीएम टेकनपुर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम ने सुबह ये सभाएं रद्द करने की बात कही थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और समझने के लिए कि क्यों अब ऐसा मामला सामने आ रहा है, हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। प्रभु सर, जिस तरह से आज सुबह सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात वो कह रहे थे, चुनावी सभाएं निरस्त हो गई थी, लेकिन अब चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं, क्या कुछ आया है इसमें, कोई निर्णय आया है नया? ये मामला बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। सीएम की आज तीन जगह चुनावी सभाएं थी, अशोकनगर विधानसभा में थी, एक भांडेर विधानसभा में थी और एक जो है डबरा विधानसभा के टेकनपुर में, तीन सभाएं अलग अलग स्थान पर थी। तो पहली जो दो सभाएं उसकी पूर्व अनुमति ली नहीं दी गई थी, जबकि जो टेकनपुर की सभा है इसकी हाई कोर्ट में जो ये मामला जाने के पहले की एक अनुमति पहले से सरकार को मिली, भारतीय जनता पार्टी को मिली हुई थी, इसलिए टेकनपुर की सभा पर रोक नहीं थी। और वो जो दोनों पहले की सभाएं शाडोरा में जो उनकी होनी थी और बराज में भांडेर विधानसभा में, उसके लिए भी जब हाईकोर्ट में मामला चल रहा था सुनवाई के दौरान, तो उसमें अनुमति के लिए गया था, तो वो उसमें अनुमति दी नहीं गई थी, क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम था, प्लान कर लिया गया था, क्योंकि हाईकोर्ट ने पहले जो अंतरिम आदेश किया था उसमें ऐसी रोक नहीं लगाई थी, उम्मीद थी कि हाईकोर्ट अपनी अगली सुनवाई में उसको रोक हटा लेगा। और कल जब हाईकोर्ट ने रोक नहीं हटाई तो अपनी दोनों सभाओं को, जो शुरुआत की दोनों सभाएं थी उनको रद्द कर दिया, क्योंकि वर्चुअल सभा इतनी जल्दी संभव नहीं थी। और ये जरूर कहा है मुख्यमंत्री ने कि इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करने जा रही है, क्योंकि बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर विकास ये देखिए कि केवल और केवल ग्वालियर हाई कोर्ट ने 9 जिलों में सभाओं पर रोक लगाई है, बाकी प्रदेश में अनूपपुर में भी कोई चुनाव हो रहा है या बड़ा मेलहरा में जो उपचुनाव हो रहा है, बाकी जगह जो उपचुनाव हो रहा है वहां पर कोई रोक नहीं, वहां पर सभाएं की अनुमति कलेक्टर दे सकते हैं जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, लेकिन हाईकोर्ट की अनुमति का जो प्रावधान प्रतिबंध लगाया गया है वो केवल 9 जिले ग्वालियर संभाग के और एक विदिशा जिला, 8 जिले वहां के, एक विदिशा जिला से, कुल 9 जिलों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, तो उसको लेकर चुनौती देने की बात मुख्यमंत्री ने कही। और मुख्यमंत्री का तर्क भी एक तरीके से जायज दिखाई देता कि जो भी निर्णय लेना हो पूरे देश के लिए एक समान या पूरे प्रदेश के लिए एक जैसा निर्णय होना चाहिए, कि बिहार में तो सभाओं की अनुमति है सभी दलों को, लेकिन मध्य प्रदेश के भी आधे हिस्से में अनुमति, आधे हिस्से में रोक है, तो उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात उनने कही। और टेकनपुर की चूंकि पहले से सभा उनकी प्रस्तावित थी, उसके लिए पूर्व अनुमति पहले से निर्धारित थी, तो उस सभा को संबोधित करने के लिए वो रवाना हो गए हैं। विकास प्रभु सर, एक सवाल और यहाँ पर निकल करके आता है, जिस तरह से आपने कहा कि कुल 9 जिले हैं जिन पर रोक लगाई गई है, तो क्या कुछ विशेष पैमाने को आधार बनाया गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि इन्हीं 9 जिलों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है, या तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर हाईकोर्ट संज्ञान लेता है, तो क्या आधार बनाया गया है कि इन्हीं 9 जिलों में प्रतिबंध किया गया है जबकि बाकी जगह पर सब सुचारू रूप से चल रहा है? विकास, ये जो हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी वो चूंकि ग्वालियर में जिले में नरेंद्र सिंह तोमर की जो सभाएं हुई थी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जो सभाएं थी उसमें जो भीड़ जुटी थी उसको लेकर ये याचिका लगाई गई थी, चूंकि हाईकोर्ट की जो बेंच है उनके क्षेत्राधिकार निर्धारित हैं, तो ग्वालियर हाईकोर्ट की जो ग्वालियर बेंच है उसने अपने क्षेत्राधिकार के जो जिले हैं उन जिलों के लिए आदेश जारी कर दिया है। वैसे सबसे ज्यादा सीटें यदि कहें तो सबसे ज्यादा चुनावी क्षेत्र इन्हीं जिलों में आते हैं,
तो हाई कोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार की सीमा के जो कलेक्टर को नोटिस जारी कर दिए हैं, लेकिन ये स्वाभाविक है कि हाई कोर्ट का जो किसी भी बेंच का निर्णय हो वो समग्र हाई कोर्ट का निर्णय माना जाता है। और यदि हाई कोर्ट जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी न करता यदि नाम वाइज प्रत्येक जिले के लिए, तो ये निर्णय पूरे प्रदेश पर लागू माना जाता। देखिए ग्वालियर बेंच ने किस आधार पर ये कलेक्टरों को सीधे पत्र लिखा है, उन्होंने आदेश जो भेजा है कलेक्टरों को, तो निकल 9 जिला के कलेक्टरों को भेजा है, इसलिए उन 9 जिलों पर वो एप्लीकेबल हो गया है, बाकी जिलों पर वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। प्रभु सर, एक जो बयान में एक शब्द का जिक्र उन्होंने किया है, 1952 की यादें तरोताजा हो गई हैं। उन्होंने जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, यानी कि एक तरफ आप अनुमतियां हैं, रैलियां हो रही हैं और यहां पर नहीं हो रहे, तो अब जब वो सर्वोच्च न्यायालय जाने वाले हैं तो कितनी राहत उनको मिल सकती है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए विकास, मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है, यदि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी देखें तो एक सामान्य सवाल उठता है लोगों के मन में कि क्या वाकई जो आप सवाल कर रहे थे कि क्या केवल उन 9 जिलों में ही कोरोना का खतरा है, बाकी जिलों में कोरोना का खतरा नहीं है, बाकी जिलों में पूरी अनुमति है, चाहे जितनी भीड़ जुटा दीजिए। तो ये बिल्कुल, चूंकि केंद्र सरकार ने अनलॉक की गाइडलाइंस लगातार जारी करते हुए अब चुनावी सभाओं की भीड़ पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, तो बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी भीड़ कोई रोक नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी के वो पितामह माने जाते हैं, उनने जो बात कही थी उस समय जब जम्मू कश्मीर को लेकर, तो वही नारा शिवराज सिंह चौहान ने दोहराया कि एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, क्योंकि यदि कोई भी कानून बनता है तो पूरे देश के लिए या हाई कोर्ट से जारी होता है आदेश तो पूरे प्रदेश के लिए एक समान लागू होता है। कि शायद हाई कोर्ट से कोई चूक हो गई है या हाई कोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार का ध्यान रखते हुए आदेश जारी किए हैं, जो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं, तो उसको देखते हुए स्थितियां बन गई हैं कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में ही दो विधान की बात हो गई है कि आधे मध्य प्रदेश में तो आपको सभाओं पर प्रतिबंध है, वर्चुअल रैली आप करेंगे, यदि आपको रैली करनी है तो आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट की, ग्वालियर बेंच की, और यदि आप जबलपुर संभाग की तरफ जाते हैं तो आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, आप वहां पर सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से आप सफाई कर सकते हैं। तो ये जो भेदभाव की स्थिति निर्मित हुई है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही, और वो जिस तरीके को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं निर्णय ले रहे जाने का, तो स्वाभाविक तौर पर या तो राहत मिलेगी चूंकि केंद्र सरकार ने छूट दी हुई है, तो पूरे देश में एक समान निर्णय राहत होगी, या प्रतिबंध की बात स्वीकार होती है तो फिर पूरे प्रदेश में होगी। चले, बहुत शुक्रिया प्रभु सर हमसे जुड़ने के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये थे हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया, जो कि बता रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय जाने के बाद स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, या तो प्रतिबंध होगा तो पूरी तरह से होगा, और अगर नहीं होगा तो बड़ी राहत पार्टियों को मिलने वाली है।